वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आप बिल्कुल मार्केट टाइप नूडल्स घर पे बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले नूडल्स एकदम खिले खिले एंड नॉन स्टिकी होते हैं और हमसे वैसे घर पे नहीं बॉईल हो पाते। सो आज मैं आपसे वैसा ही एक तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके नूडल्स भी एकदम नॉन स्टिकी बॉईल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें चाहिए नूडल्स, पानी, तेल और नमक। सबसे पहले हम हमारे नूडल्स को बॉईल करेंगे। उसके लिए आप एक ऐसे बर्तन में डालें पानी और पानी को अच्छे से गर्म होने दें। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तब आप इसमें डालें नमक और उसके साथ इसमें आप डालें तेल। इन दोनों चीज़ों से कुक होते टाइम हमारे जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तेल को आप एक बार ही पानी में अच्छे से हिला लें, फिर आप उसमें डालें नूडल्स। इन्हें आप एज इट इज ही डालें, तोड़ के बिल्कुल ना डालें। और इन्हें हम अब तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये सेपरेट ना हो जाएं। सो आप ये लो टू मीडियम फ्लेम पे करें और ये सेपरेट होते टाइम ये बॉईल भी हो जाएंगे। सो आपको बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा। और नूडल्स 2 से 3 मिनट ही लेते हैं बॉईल होने के लिए। सो ये बॉईल हो गए हैं या नहीं आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप नूडल लें, उसे तोड़ के देखें। अगर वो ईजिली टूट रहे हैं तो इट मीन्स वो रेडी हैं। और इन्हें आप प्रेस करके भी देखें। प्रेस करते वक्त ये मैश नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ सॉफ्ट हों, इस चीज़ का ही हमको ध्यान रखना है। अगर ये मैश हो रहे हैं तो इट मीन्स ये ओवर कुक हो चुके हैं। अगर आपको इनमें कच्चापन लग रहा है तो इट मीन्स आपको इन्हें और कुक करना पड़ेगा। सो आधे से 1 मिनट के लिए आप इसे और कुक कर सकते हैं। बॉयल होने के बाद हम नूडल्स में से जो गर्म पानी है उसे स्ट्रेन कर लेंगे। बॉयल करने के बाद आप इमीडिएटली गर्म पानी को निकाल लें। गर्म पानी से निकालने के बाद अब हम इन्हें ठंडे पानी में वॉश करेंगे। इससे हमारे नूडल्स एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। सो इन्हें ठंडे पानी में निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये एकदम परफेक्टली कुक्ड हैं और बिल्कुल नहीं चिपक रहे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने खिले खिले बने हैं। और अब हम इन्हें ऑयल से ब्रश करेंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें बॉयल करने के बाद कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए एज इट इज़ रखना चाहते हैं, इमीडिएटली नहीं बनाना चाहते, तो ऑयल ब्रश करने से ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए। हमारे परफेक्ट नॉन स्टिकी नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और अपने एक्सपीरियंस में साथ ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही और नई डिफरेंट एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।